नमस्कार साथियों, डूंगर कॉलेज एग्जाम 2024, जैसा कि आप सभी स्टूडेंट को पता है, राजस्थान की हर एक यूनिवर्सिटी ने सेमेस्टर सिस्टम है वो लागू कर दिया है। सेमेस्टर सिस्टम में होगा क्या, तो मैं आपको सरल से सरल समझाऊं तो आपके इस साल में क्या होगी, दो बार एग्जाम है वो होगा, एक तो जनवरी में होगा और एक जून महीने के आसपास है वो होने वाला है। ठीक है, जो ये जनवरी में जो प्रथम सेमेस्टर का एग्जाम होगा वो कितने नंबर का होगा, कैसे होगा, क्या क्या है वो होने वाला है, इसमें पूरी ए टू जेड जानकारी मैं आपको बताने वाला हूँ। और इससे पहले आप 5 से 7 वर्षों में देखे तो उसमें क्या होता था, साल में एक बार परीक्षा है वो देनी पड़ती थी, लेकिन इस बार है साल में दो बार एग्जाम है वो देना होगा। हर 6 महीने में क्या होगा, एक सेमेस्टर एग्जाम होने वाला है। और ये सेमेस्टर एग्जाम है केवल और उन्हीं छात्रों के लिए जो क्या है फर्स्ट ईयर में है, जिन्होंने इस वर्ष नया एडमिशन लिया उन्हीं के लिए होने वाला है। जो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट है, फाइनल ईयर के स्टूडेंट है, उनके लिए नहीं होने वाला है। और जो इस वर्ष फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे हैं वो अगले साल सेकेंड ईयर में हो जाएंगे, तो सेकेंड ईयर वालों के लिए भी हो जाएगा, है ना। कुल मिलाकर जो न्यू स्टूडेंट है इस वर्ष जिन्होंने एडमिशन ले लिया है उनके लिए सेमेस्टर सिस्टम है वो होने वाला है। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने लिख रखा है कि डूंगर कॉलेज एग्जाम 2024 जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है उनका जो आंतरिक मूल्यांकन होगा वो कब होगा, तो मैं आपको बता देता हूँ, डेट वगैरह आ चुकी है। आंतरिक मूल्यांकन में क्या होगा मैं आपको वो भी बताऊंगा अभी। ठीक है, तो आंतरिक मूल्यांकन में 3 जनवरी से लगाकर 10 जनवरी तक है आपके जो आंतरिक मूल्यांकन है वो चलने वाले। ठीक है, आंतरिक मूल्यांकन कितने नंबर का होगा, तो मैं आपको बता देता हूँ 30 नंबर का है वो रहने वाला है। कौन सा आंतरिक मूल्यांकन, ठीक है, किसके लिए, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है उनके लिए। ठीक है, चाहे बीए हो, बीएससी हो या फिर बीकॉम हो, कोई भी आपकी विज्ञान संकाय हो या फिर कला संकाय कोई भी हो, ठीक है, तो ये सभी के लिए होगा। और इसमें क्या होगा भाई, एक तो आपके लिए असाइनमेंट होगी, असाइनमेंट फाइल वगैरह आपको बनानी होगी। ठीक है, और मौखिक परीक्षा होगी। और क्या होगी भाई, मौखिक परीक्षा है वो होने वाली है 30 अंकों की। ठीक है, अब ये मौखिक परीक्षा कितने नंबर की होगी, असाइनमेंट कितने नंबर का होगा, आगे पूरी जानकारी वो दी हुई है। विज्ञान संकाय के लिए अलग से दी हुई है और कला संकाय जो आर्ट्स स्टूडेंट है उनके लिए अलग से है, मतलब बीए के स्टूडेंट। ठीक है, अब देखिएगा विज्ञान संकाय में बात करें जो बीएससी वाले स्टूडेंट उनके लिए, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड पेपर दो पेपर है वो होने वाले हैं आपके। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड पेपर 10-10 अंक का सेमेस्टर, जो कि 10-10 अंक का ये पेपर है वो रहने वाला है। और इसमें 10-10 अंक का सेमेस्टर अथवा क्या होगा, प्रोजेक्ट साइट पोस्टर व सेमिनार है वो आपके होंगे, प्रोजेक्ट भी होगा इसमें। ठीक है, पोस्टर वगैरह सेमिनार वगैरह इसमें है वो रहने वाले हैं, इसमें विज्ञान संकाय के जो फर्स्ट और सेकेंड पेपर होने वाले हैं। जबकि 10 अंक के देखो, 10 नंबर का फर्स्ट पेपर और 10 नंबर का सेकेंड पेपर, ठीक है, ये हो गया। फिर 10 नंबर का क्या होगा, प्रायोगिक परीक्षा। प्रायोगिक परीक्षा कैसी होगी, मौखिक होगी, मतलब इसमें आपको पूछे जाएंगे, ठीक है, ऐसे लिखित नहीं होगी। ठीक है, तो मौखिक होगी, के रूप में निर्धारित है वो की गई। ये तो हो गया विज्ञान संकाय वालों के लिए, विज्ञान संकाय में किस प्रकार है नंबरों का वर्गीकरण है वो रहेगा, तो मैं हमने आपको बता दिया। ठीक है, उसकी बात कला संकाय, कला की बात करें, कला एवं वाणिज्य संकाय की, तो इसमें प्रथम वर्ष प्रथम सेमेस्टर में आंतरिक मूल्यांकन की वैधता के लिए प्रत्येक प्रश्न पत्र के लिए 15 अंक है वो निर्धारित किए गए। कितने अंक, 15 अंक है प्रत्येक पेपर के लिए। और असाइनमेंट किसके द्वारा वो भी हो गए, असाइनमेंट द्वारा, मौखिक परीक्षा है वो भी आपकी होगी, लगभग दोनों की सेम है वो रहने वाली। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बताऊं 31 दिसंबर तक तो आपकी क्या है वो छुट्टियां होने वाली है। 1 जनवरी से वापस से आपकी जो कि कॉलेज है वो खुलने वाली है, ओपन हो जाएगी। ठीक है, वापस से शुरू हो जाएगी। ठीक है, और उसके बाद है फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम है वो क्या होगा, जनवरी का अंतिम सप्ताह में होगा, जनवरी के क्या होगा अंतिम सप्ताह में होगा। ठीक है, और इसको लेकर कोई भी न्यूज आती है तो मैंने अलग से व्हाट्सएप चैनल बना रखा है डूंगर कॉलेज का, उसमें आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। डूंगर कॉलेज के जो भी नए स्टूडेंट है वो जरूर जुड़िएगा, क्योंकि मैं वहां पर आपको केवल और केवल जो नई शिक्षा नीति है, मतलब नया सेमेस्टर सिस्टम है वो लागू किए गए, उसे संबंधित जो भी सूचना आएगी, एग्जाम डेट वगैरह आएगी, वो उस ग्रुप में डालूंगा। ठीक है, फिर देखिएगा फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम, देखो आंतरिक मूल्यांकन है वो 30 अंक का होगा, 3 जनवरी से लगाकर 10 जनवरी तक है वो चलेगा। ठीक है, फिर जो फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम होगा वो जनवरी के अंतिम सप्ताह में आपका शुरू है वो होने वाला है। ठीक है, ये पूरी न्यूज थी जो कि मैंने आपको बताई, और भी कोई अपडेट आती है लगातार मैं आपको शेयर करता रहूंगा। इसके अलावा और कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। देखिएगा मैंने वापस बता दिया, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है, आंतरिक मूल्यांकन होगा, कब होगा, 3 जनवरी से लगाकर 10 जनवरी तक है वो चलेगा। ठीक है, और मैं आपको इम्पोर्टेंट बात है, सबसे इम्पोर्टेंट बात बता देता हूँ, अगर आप वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो, ठीक है,
मेरे फायदे की बात नहीं हो रही, आपके फायदे की बात हो रही है, ठीक है। तो आपका फायदा क्या है, आपको आपकी कॉलेज से वो जितने भी ग्रुप बने हुए हैं, व्हाट्सएप चैनल ग्रुप बने हुए हैं, उनमें जुड़ जाना होगा। अगर आप डेली कॉलेज जाते हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं जाते हो तो उस ग्रुप में जुड़ जाना, ठीक है। या फिर आप अपने जो भी कॉलेज के जो भी मित्र हैं, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, उनसे डेली वगैरह बात वगैरह कर देना। क्यों? क्योंकि अगर आप बात करोगे, बात क्या करना है कि भाई जो एग्जाम है फर्स्ट सेमेस्टर के, वो कब हैं, वो होंगे, इसको लेकर कोई सूचना वगैरह कॉलेज ने दी या फिर नहीं दी, ऐसा आप अपने मित्रों से, अपने जो भी मास्टर टीचर वगैरह हैं उनसे पूछ लेना, ठीक है। और अगर डेली कॉलेज जाते हो तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं जाते हो तो कॉलेज के ग्रुप बना हुआ उसमें ऐड हो जाना। आपके जितने भी जो भी क्लास में आपके जो भी मित्र हैं उनका एक ग्रुप बना लेना, उसमें न्यूज़ वगैरह डालते रहना, ठीक है। जो भी कॉलेज की न्यूज़ वगैरह आती हैं आपके पर्सनल कॉलेज की, ठीक है, जिसमें नोटिफिकेशन वगैरह दिया होता है कि भाई आपके एग्जाम इतने बजे होगा और टाइम टेबल अब इतने बजे आएगा, ठीक है, सब कुछ वो सूचना है ना, वो आपके कॉलेज से अलग से है, वो बाहर है ना, व्हाइट बोर्ड वगैरह होता है, उस बोर्ड पर चिपकाई जाती है वो सूचना है, फोटो खींच के आपको आपके ग्रुप में वगैरह डालना होता है, ठीक है, जिससे सारे स्टूडेंट को पता चल जाता है। अगर आप ग्रुप में नहीं जुड़े तो उस ग्रुप में है जरूर जुड़ना, आपका जो भी कॉलेज है इसमें मैं किसी तरह का ऐड है वो नहीं कर सकता, तो आपको खुद को ही जुड़ना होगा, ठीक है। बाकी मेरे द्वारा जो व्हाट्सएप चैनल बनाया गया है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको भी जरूर ज्वाइन कीजिएगा। वहां पर भी जहां तक उसके कोई सूचना आएगी डूंगर कॉलेज से संबंधित, मैं उस ग्रुप में डाल दूंगा, ठीक है, तो आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा। अगर लिंक नहीं मिल रहा तो कमेंट कर देना, मैं आपको लिंक है वो दे दूंगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने बता दिया, ठीक है। अब देखिएगा, ये हो गया असाइनमेंट 30 अंक जो कि मौखिक परीक्षा होगी, है ना, और विज्ञान संकाय में फर्स्ट सेकंड पेपर होगा, 10-10 अंक का होगा, 10-10 और 10 अंक की प्रारंभिक परीक्षा होगी, वो होगी मौखिक है, वो होने वाले, ठीक है। इसी प्रकार कला एवं वाणिज्य संकाय में होगा, 31 दिसंबर तक आपकी छुट्टियां हैं जो कि शीतकालीन अवकाश है, फिर फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम है जो कि आपका जनवरी के अंतिम सत्र में वो हो जाएगा, ठीक है। और यही कुछ सूचना थी जो कि मैंने आपको शेयर की, और भी अपडेट आएगी लगातार मैं शेयर करता रहूंगा। मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।